शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 मई को निकालेंगे, शाम 4 बजे का समय रहेगा। घटकेश्वर महादेव है, मंदिर है, मेन पॉइंट रहेगा पीला कलर की साड़ी या सूट। शाम 4 बजे आप सभी को कलश यात्रा में शामिल होना है और आप सभी को सादर निमंत्रण है। 26 तारीख के हमारी भव्य कलश यात्रा है। संगवारी तो ये है आयोजन करता देख सका था, ये है पवन खंडेलवाल जी, विशाल खंडेलवाल जी और सागर खंडेलवाल जी और साथ मोनू साहू जी, सभी जन अभी हवा और मीटिंग में अभी बताइए कि कहाँ का व्यवस्था रही। शिव महापुराण कथा के दौरान चला आगे अपना दिखलावो तो वीडियो में आप बने रहो और भीड़ देख सकता किस तरह से सब लोगों में बैठे, कृपया शांति बना रखे, खबर आप लोग अच्छा से दिखा सको और व्यवस्थित होकर बैठ जाए, जगह बहुत है। शाम 4 बजे आप सभी को कलश यात्रा में शामिल होना है। भव्य कलश यात्रा हमको निकालना है। जितने लोग गांव से आएंगे इधर से, वो लोग जैसे डी बस्ती है, डी बस्ती में हमारे परिवार वाले हैं और 26 मई को निकालेंगे, शाम 4 बजे का समय रहेगा। और जितने लोग इस साइड से आएंगे, अमलेश्वर डी बस्ती में शिव जी का मंदिर है, वहां से हमारे परिवार वाले लोग आएंगे और जो लोग गांव के लोग हैं और उनके साथ जितने लोग शामिल होने के लिए इच्छुक हो वो लोग वहां से आ सकते हैं। और उसके बाद ये हटकेश्वर महादेव है, मंदिर है, मेन पॉइंट रहेगा हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर। वहां से जितने लोग हैं जहां से भी आना है वो सभी इकट्ठा हो जाए हटकेश्वर महादेव जी के मंदिर में। उसके बाद ऐतिहासिक और भव्य कलश यात्रा वहां से हम निकालेंगे। उसके बाद हटकेश्वर महादेव से ये कथा स्थल तक का ये जो शोभा यात्रा है वो रहेगा और आप सभी को सादर निमंत्रण है। जितने लोग शामिल होना चाह रहे कलश यात्रा में वो अपना नाम लिखा दे और ड्रेस कोड रहेगा पीला कलर की साड़ी या सूट। पीला कलर के साड़ी या सूट पहन के आप लोगों को आना है। और जो कलश है आप लोग चाहे तो अपने घर से कलश को सजा के ला सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कलश की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को समय के पहले आना पड़ेगा। हमारे पास 1100 कलश है, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप लोग अपने हिसाब से बढ़िया कलश को सजाए और अपना कलश खुद लेके आए तो शांति बनाए रखे, क्योंकि ये आयोजन श्री समर्पण शिव महापुराण कथा बहुत बड़ा आयोजन है। जहां से भी कलश निकालना है, जहां से भी आना है, हमारा मेन पॉइंट रहेगा हटकेश्वर महादेव। हटकेश्वर महादेव जी के मंदिर में आप सभी को पहुंचना है। ये मान के चलो कि 5 बजे हटकेश्वर महादेव के मंदिर में हम सबको पहुंचना है। तो लेडीज लोगों का येलो साड़ी या सूट और जेंट्स लोग कुर्ता पजामा पहन के आए बढ़िया, व्हाइट व्हाइट कलर या येलो कलर। और हमारी जो माताएं बहने हैं वो तो कलश लेके चलेंगी और हमारे भैया लोग हैं वो लोग अपने हाथ में ध्वज लेके चलेंगे। हर हर महादेव वाला जो हमारा ध्वज होगा उसको लेके चलना है, खाली हाथ नहीं चलना है, तो ध्वज भी रहेगा वहां पे। आप सभी से निवेदन है इधर जितने लोग हैं उधर जाके बैठ जाए। कथा का आयोजन हम लोगों को शिव जी ने माध्यम बनाया है,
मैं हूँ मोनू साहू, मेरा भाई है विशाल खंडेलवाल जी और हमारे परम आदरणीय पवन खंडेलवाल जी हैं। हम लोग आयोजन करता है, एक माध्यम है, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग आशीर्वाद जरूरी है। आप सभी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है, क्योंकि हम लोग जितना हो पा रहा है, जितना ज्यादा हो पा रहा है, हम लोग पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी शिव भक्त को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके बाद अब हमारे जो वॉलेंटियर्स है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कथा कितना अच्छा होगा, क्योंकि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जो भी जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से आप सभी को निभाना है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही जवाबदारी रहेगी, क्योंकि दूर दूर से शिव भक्त आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी जवाबदारी मिले ईमानदारी से करना है, और नहीं करना रहेगा या किसी कारणवश तो हमको जानकारी जरूर दें कि उसके बदले हम किसी दूसरे को वहां पे उस जगह पे लगा सके। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं भैया, सबसे निवेदन है कि बैठ जाए। आओ अखिलेश भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। जैसा कि अभी हमारे मोनू भाई ने बताया कि 26 तारीख के हमारी भव्य कलश यात्रा है, तो इस कलश यात्रा में हमारे जितने भी भाई, माताएं, बहनें, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों को भारी संख्या में उपस्थित होकर कलश यात्रा का लाभ उठाना है और अपने इस आयोजन की तैयारी में जुटना है। मैं सारे लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जितने भी आसपास के लोग हैं, माताएं हैं, बहने हैं, सब एक दूसरे को बताएं और कलश यात्रा के दिन महादेव घाट, जो कि छत्तीसगढ़ का काशी है, हमारे छत्तीसगढ़ का काशी जिसे कहा जाता है, वहां पर उपस्थित होकर भारी संख्या में अपने इस अमलेश्वर की पावन धारा में प्रदीप मिश्रा जी का स्वागत भी करना है और कलश यात्रा का अपने को साथ में सारे लोगों को मिलकर के स्वागत भी करना है। अब हमारे बीच यहाँ पर हमारे भाई, बड़े भाई बसंत अग्रवाल जी भी आ चुके हैं, स्वागत करें उनका। ये जो अपनी कलश यात्रा रहेगी, ये इस इतनी बड़ी कलश यात्रा रहेगी कि कभी मतलब अमलेश्वर से इतनी बड़ी कलश यात्रा मैं नहीं मान सकता कि कभी निकली होगी। जितनी भीड़ लोगों की संख्या की इसमें आने का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अमलेश्वर के जो भक्त हैं, उनको हम मीटिंग में ही देख देख करके इतना खुशी हो रही है कि मीटिंग में ही इतने लोग आ रहे हैं, तो कलश यात्रा में कितने लोग आएंगे, हम लोग ये सोच करके मतलब आश्चर्यचकित हैं। लोगों का जो उत्साह हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, इससे हमारी जो ऊर्जा है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है।